आज के इस वीडियो में हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्प्ले रेजोल्यूशन और लेआउट एलिमेंट के बारे में जाना और आज के इस वीडियो में हम कलर और फॉन्ट के बारे में जानेंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है फॉन्ट्स का। तो आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिस डायलॉग बॉक्स का नाम है कमांड लाइन विंडो फॉन्ट। तो इसमें काम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है वो किस जगह के लिए काम करता है। आपको यहाँ पर नीचे जो कमांड विजिबल होती है उसे ऑटोकैड में कमांड लाइन कहते हैं। और अगर आप यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स में इस फॉन्ट डिपार्टमेंट में कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट स्टाइल में किसी भी तरह की फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ सैंपल कमांड लाइन फॉन्ट में जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो आपको प्रीव्यू के शक्ल में दिखाई देगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे अप्लाई एंड क्लोज करना है। क्लोज करते ही कमांड लाइन में आपने जिस भी तरह का फॉन्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया था उसी तरह का आपको यहाँ पर कमांड लाइन में फॉन्ट दिखाई देगा। इसी तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी तरह का आपको यहाँ पर कमांड लाइन में फॉन्ट चाहिए इस फॉन्ट ऑप्शन की मदद से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने हिसाब से उस फॉन्ट की स्टाइल उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो और सेट कर सकते हो। तो ये है फॉन्ट कमांड का काम। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कलर का। और आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिस डायलॉग बॉक्स का नाम है ड्रॉइंग विंडो कलर, जिसमें आपको पहला डिपार्टमेंट मिलता है कॉन्टेक्स्ट का। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इंटरफेस एलिमेंट। इसी तरह से नेक्स्ट डिपार्टमेंट है कलर का। और अगर आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पर 2D मॉडल स्पेस सिलेक्ट किया हुआ है। इसी तरह से इंटरफेस एलिमेंट में यूनिफॉर्म बैकग्राउंड सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये जो हमारा यूनिफॉर्म बैकग्राउंड होता है वो हमारा वर्किंग स्पेस होता है। और अगर आप यहाँ पर कलर में कोई अलग कलर सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो हमारा जो यूनिफॉर्म बैकग्राउंड है वो उसी तरह के कलर पर सेट हो जाएगा जिस तरह का कलर आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। इसी तरह से आपने हिसाब से इसमें आपको जो भी कलर यूनिफॉर्म बैकग्राउंड पर चाहिए उस कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करते ही यूनिफॉर्म बैकग्राउंड उसी कलर के हिसाब से सेट हो जाए। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर इंटरफेस एलिमेंट में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है क्रॉस हेयर। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर कलर चेंज करके इसे अप्लाई करके ऑप्शन डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के बाद वर्किंग स्पेस में क्रॉस हेयर को देखेंगे तो आपने जो भी कलर वहाँ पर सिलेक्ट किया था उसी कलर में आपको यहाँ पर क्रॉस हेयर दिखाई देगा। तो इसी तरह से आप ऑप्शन कमांड एक्टिवेट करने के बाद जिस भी तरह के कलर में आपने क्रॉस हेयर को रखना चाहते हो उस तरह के कलर में आप यहाँ पर रख सकते हो। और उसी तरह से अगर आप यहाँ पर रिव्यू में देखेंगे तो जो भी आप कलर यहाँ पर चेंज कर रहे हो उसी तरह का कलर आपको यहाँ पर कर्सर पर क्रॉस हेयर पर दिखाई देगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है विपोर्ट कंट्रोल। आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसका कलर चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर रिव्यू में जो भी कलर आप यहाँ पर चेंज करेंगे उसी तरह के कलर पर विपोर्ट कंट्रोल सेट होगा। तो आप यहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी कलर आपको सही लगता है उसी कलर पर विपोर्ट कंट्रोल को सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट मेजर लाइन। आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसके कलर को यहाँ पर चेंज करेंगे तो प्रीव्यू में आपको उसी कलर के हिसाब से ग्रिड मेजर लाइंस दिखेंगी। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर ग्रिड माइनर लाइन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसके कलर को चेंज करना है। कलर चेंज करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अगर आप ऑप्शन डायलॉग बॉक्स को क्लोज करके विपोर्ट में देखेंगे तो जिस भी कलर में आपने यहाँ पर चेंजेस किए हैं उसी तरह से आपको ग्रिड मेजर लाइन और माइनर लाइन दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आप जिस भी तरह का इंटरफेस एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे उसी तरह से आपको यहाँ पर ऑटोकैड में वो एलिमेंट चेंज होकर दिखाई देगा। देन नेक्स्ट आप कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर शीट लेआउट सिलेक्ट करके उसके इंटरफेस एलिमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी कलर में आपको सेट करना है उस कलर में सेट कर सकते हो। इसी तरह से 3D पैरेलल प्रोजेक्शन को सिलेक्ट करके उसके इंटरफेस एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। इसी तरह से 3D पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसके एलिमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी कलर में आपको इसे सेट करना है उस कलर में आप 3D पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को सेट कर सकते हो। जो भी आप यहाँ पर इंटरफेस एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे उस एलिमेंट का कलर यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो।